पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निर्वाचनों को अधिकरण को वैधता प्रदान करने के प्रयत्नों के रूप में देखा जा रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्वाचन मात्र केवल एक छल है, जिसका लक्ष्य प्रजातंत्र के एक झूठे भाव को व्यक्त करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निर्वाचन स्वतंत्रता आंदोलन से जनता का ध्यान हटाने के लिए कराए जा रहे हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 1 मिलियन से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों की उपस्थिति में कराए जा रहे निर्वाचन मात्र केवल एक छल है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बुधवार को निर्वाचन नाटकों के दूसरे चरण के मध्य कठोर प्रतिबंध लगाए गए। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अधिकरण के मध्य निर्वाचनों को राज्य नेतृत्व के दमन के लिए एक छलावे के रूप में देखा जा रहा है। 2019 परवर्ती परिवर्तनों का लक्ष्य भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निर्वाचन तथा जनसंख्यात्मक स्थितियों का पुनः गठन है। निर्वाचनों में नियोजित संशोधन, भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर को यथार्थ राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर रहे हैं। स्थानीय सरकार के विस्तृत होते अधिकार भावी सरकार की सत्ता को कम कर रहे हैं। बाहर के लोगों के लिए मतदान के अस्थायी अधिकार, भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता को भंग कर रहे हैं। सन 2020 की जेरी मेंडन का लक्ष्य मुस्लिम राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जेरी मेंडन मुस्लिम स्वरों की उपेक्षा कर सत्ता जम्मू की ओर स्थानांतरित कर रही है। नवीन डोमिसाइल कानून तथा निर्वाचन परिवर्तन, भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनसंख्यात्मक गठन के लिए एक चुनौती है। मोदी के निर्वाचन चालों का लक्ष्य 2019 की अवैध कार्रवाई को वैधता प्रदान करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निर्वाचन कश्मीरियों के यथार्थ स्वयं निर्णय का स्थान नहीं दे सकते। भारत निर्वाचन नाटक के द्वारा कश्मीरियों के स्वतंत्रता संघर्ष की यथार्थता को खंडित करना चाहता है। कश्मीरी निर्वाचन के लिए नहीं, राष्ट्रसंघ समर्थित जनमत संग्रह के लिए बलिदान दे रहे हैं।